स्वागत है दोस्तों आप सभी का ड्रीम फैंटेसी चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा पाकिस्तान वुमेंस वर्सेस श्रीलंकन वुमेंस की टीम। मैंने पहले दो मैचेस की टीम ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं इस मैच की तरफ। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, तो दोनों ही टीम अपने उन प्लेयर्स को ज़रूर मौका देगी जिन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में नहीं खेला है। तो आप उनको ग्रैंड लीग्स में जाकर खिला सकते हो और अगर वो कुछ पॉइंट्स लेती है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ विकेट कीपर में दिलानी मंडोदरा को लिया है, इसमें आप कोई चेंज मत करना। बाकी दो जो आपको दिख रहे हैं इनसे दिलानी मंडोदरा का परफॉर्मेंस अभी तक का अच्छा है, तो आप दिलानी मंडोदरा के साथ जाना। बैट्समैन मैंने यहाँ चार पिक किए हैं, चमारी अट्टापट्टू, जावेरिया खान, नाहिदा खान, और जो मैंने फोर्थ वन पिक किया वो है हसीनी परेरा। आपको बता दूँ चमारी अट्टापट्टू कैप्टन है, इनका अभी डिसेंट परफॉर्म रहा है क्योंकि हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है तो मेरे को इसके साथ ही जाना पड़ रहा है। जावेरिया खान ने लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला था और इनकी भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट ऑप्शंस हमारे पास और हैं नहीं तो हम इनके साथ भी जाएंगे। नाहिदा खान ये भी अच्छे प्लेयर हैं, और जो हमने फोर्थ पिक किया वो है हसीनी परेरा। आपको बता दूँ आप आयशा ज़फ़र के साथ भी जा सकते हो इन प्लेस ऑफ नाहिदा खान, और आप निपुनी हंसिकों को मत लेना, इन्होंने आखिरी मैच नहीं खेला था और इस मैच में भी यही संभावना है कि ये मैच नहीं खेलेगी। तीन या मैंने ऑलराउंडर्स पिक किए हैं, सना मीर, शशिकला श्रीवर्धने और अस्मावया इकबाल। ऑलराउंडर्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो इन तीनों ही प्लेयर्स के बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं और आज भी ये अच्छे पॉइंट्स ग्रैब करेंगे। आपको बता दूँ चमारी पोंगापोला इन्होंने रिप्लेस किया है नुपुनी हंसिका को, तो आप अगर ग्रैंड लीग में अच्छा करना चाहते हो, टॉप में आना चाहते हो, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो आप जा सकते हो चमारी पोंगापोला के साथ। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। तो मैंने यहाँ तीन बॉलर्स पिक किए हैं, इनोका रानावीरा ये श्रीलंका की कैप्टन है और अच्छी बॉलिंग है इनके पास, अमा कंचना ये भी बहुत अच्छी बॉलर है, और जो तीसरे मैंने बॉलर पिक किया है वो है श्रीपली वीराकोडी। तो वीराकोडी तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, यहाँ आपको मैं आपको बता दूँ मैंने गलत पिक करा है, अमा कंचना को मैं यहाँ नहीं ले रहा, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ नशरा सांडू को और इनोका रानावीरा की जगह मैं रख रहा हूँ कंचना को। तो आप देख सकते हो मेरी टीम। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आज के मैच में पाकिस्तान की वुमेंस टीम अपनी बॉलिंग में ज़रूर चेंज करेगी, उन्होंने अभी तक गुलम फतिमा को मौका नहीं दिया, तो आज इनके खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ग्रैंड लीग में आप इनको ले सकते हो, और साथ ही साथ वाहिदा अख्तर, इन दोनों में से कोई ना कोई आज एक प्लेयर ज़रूर खेलेगा। और वहीं श्रीलंकन टीम में से देखा जाए तो प्राबुद्धोनी, इनके भी खेलने के चांसेस आज ज़्यादा हैं। तो आप देख लो आपको क्या टीम पिक करनी है, मेरी तरफ से यही टीम पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ मूव करते हैं, तो मैंने सना मीर को कैप्टन रखा है, इनका तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अभी तक का, और दूसरी तरफ मैंने श्रीपली वीराकोडी को वाइस कैप्टन रखा है जस्ट बिकॉज ये विकेट टेकिंग बॉलर है, और साथ ही साथ श्रीलंकन की टीम ऑल आउट होती है तो ये नीचे बैटिंग करने भी ज़रूर आएगी और वहाँ से भी थोड़े रन स्कोर करेगी, तो मेरे पास और कोई ऑप्शंस थे नहीं तो मैंने इनको पिक किया है। आपको वाइस कैप्टन के मैं और थोड़े ऑप्शंस दे देता हूँ, आप नाहिदा खान के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो चमारी अट्टापट्टू के साथ जा सकते हो, बट अट्टापट्टू का भी कोई परफॉर्म नहीं रहा तो मैं इनके साथ आपको नहीं कहूँगा। आप शशिकला श्रीवर्धने को भी ट्राई कर सकते हो, तो आप अब देख लो आपने किसके साथ जाना है। अब हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई टीम अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले मैच।